गाइस ये आपके सामने टाटा हैरियर इलेक्ट्रिक, जिसको टाटा ने भारत मोबिलिटी एक्सपो 2024 के अंदर शोकेस किया है। तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर फुल डिटेल बताने वाला हूँ इस गाड़ी के अंदर आपको कितने किलोमीटर की रेंज मिलेगी और इस गाड़ी के अंदर आपको कौन कौन से फीचर्स मिलने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं इस गाड़ी के एक्सटीरियर प्रोफाइल के बारे में। तो यहाँ पे आपको कनेक्टेड डीआरएल देखने को मिलते हैं और एलईडी में आपको हेडलैम्प सेटअप मिलता है जैसा आपको रेगुलर वेरिएंट के अंदर मिलता है, और सेंटर में आपको टाटा का लोगो मिल जाता है, और काफी प्रीमियम डिजाइन में आपको ग्रिल मिलती है जो देखने में काफी प्रीमियम लग रही है, और फ्रंट में आपको कैमरा भी मिल जाता है क्योंकि यहाँ पे आपको 360 डिग्री कैमरा भी दिया गया है, और नीचे आपको सिल्वर कलर की ग्रिल मिलेगी और वहीं पे आपको एडास लेवल 2 का रडार मिल जाएगा। टाटा ने रडार को इतने अच्छे से इंटीग्रेट किया है, देखने में बिल्कुल पता नहीं लग रहा है ग्रिल का पार्ट है या फिर रडार सेंसर है, और नीचे आपको सिल्वर कलर की स्किड प्लेट मिल जाती है। और अगर बात करूं मैं इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो यहाँ पे आपको 90 इंच के न्यू डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं जिनका डिजाइन काफी कमाल का लग रहा है। और मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, ये टाटा हैरियर इलेक्ट्रिक का प्रोडक्शन वर्जन है, तो इस गाड़ी के अंदर कोई भी मेजर चेंजेस नहीं होने वाले। यहाँ पे आपको 90 इंच के अलॉय व्हील्स मिलेंगे और एक्सटीरियर डिजाइन भी आपको सेम ही मिलने वाला जैसे यहाँ पे शोकेस किया गया है। बाकी एलईडी में आपको ओआरवी मिल जाएगी, साथ में 360 डिग्री कैमरा मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको ब्लू कलर में ईवी की बैजिंग मिल जाएगी। बाकी आपको ऑल फोर टायर्स के अंदर डिस्क ब्रेक मिलते हैं। और अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी की रियर प्रोफाइल की, तो यहाँ पे आपको कनेक्टेड टेल लाइट्स मिलती है जिनका डिजाइन काफी प्रीमियम लगता है। जितनी प्रीमियम टाटा ने इसकी फ्रंट प्रोफाइल बनाई है, इतनी ही प्रीमियम इस गाड़ी की रियर प्रोफाइल भी है। ये जो कनेक्टेड टेल लाइट्स का डिजाइन है, इसके सेगमेंट में किसी भी गाड़ी की टेल लाइट्स आपको इतनी प्रीमियम नहीं मिलती। बाकी सेंटर में आपको टाटा का लोगो मिल जाता है, और नीचे आपको डार्क कलर में हैरियर की बैजिंग मिल जाती है, और यहाँ पे सिल्वर कलर के अंदर स्किड प्लेट दी गई है। और अगर बात करूं इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो यहाँ पे आपको ड्यूल टोन के अंदर इंटीरियर मिलता है जो देखने में काफी लग्जरी लग रहा है। यहाँ पे आपको फुल डिजिटल स्पीडो कंसोल मिलता है जो देखने में काफी प्रीमियम लगता है। बिग साइज का आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। फ्रंट सीट से आपको वेंटिलेटेड मिलती है। स्टीयरिंग व्हील के अंदर आपको इल्यूमिनेटेड टाटा का लोगो मिल जाता है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है। वायरलेस आपको चार्जिंग मिल जाती है। बिग साइज की पैनारोमिक सनरूफ मिलती है। एडास लेवल 2 मिल जाता है जिसमें काफी सारे आपको सेफ्टी फीचर्स मिलने वाले हैं, और साथ में 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है। और अगर बात करूं इस गाड़ी की रेंज के बारे में, तो यहाँ पे आपको 600 किलोमीटर की रेंज मिलेगी जो अपने आप में काफी बड़ा नंबर है। बाकी देखते हैं जब टाटा अपनी हैरियर इलेक्ट्रिक को लॉन्च करता है तो इस गाड़ी के अंदर कितने किलोमीटर की रेंज मिलती है और इस गाड़ी की प्राइसिंग क्या होती है। तो गाइस फिलहाल इस वीडियो में इतना, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।